वजूद अपना क्यों ढूंढ रहे तू? जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है। डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और जब जाबाज गुड लुकिंग हीरो की जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसमे ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने साथ होने वाले ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस अफसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसलिए वो पुलिस अफसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसा पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका ताप बदला गोवा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वह नहीं जानता कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है या उसे उसकी जिंदगी का प्यार शगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है, या उसे आकृति जैसी मुंह बोली बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरवा रानाडे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसों से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरवा के दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी काली करतूतों की गवाह
जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद करप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वह न केवल आकृति के हत्यारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में डीसीपी बाजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जिसे कई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वह सच्चाई की राह अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की यह फिल्म यो तो सिंघम की स्पिन ऑफ है, मगर हम आपको बता दें कि यह तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। रोहित ने इसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणबीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया के केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपने धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की स्ट्रेंथ होते हैं, जो यहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद समझी के वन लाइनर्स पूरी फिल्म में चुटिलेपन को बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा की सिक्कल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत न होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सपर्ट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चार ढाल लुक, संवाद, अदायगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने का मौका नहीं मिला। ध्रुवा रानाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उन जैसा पावरफुल विलन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ जाधव ने दर्शक का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है तो। यहाँ जाने फिल्म सिम्बा देखने से पहले फिल्म का पूरा रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। फिल्म के मूड के हिसाब से कहानी की जान दर्जनों वन लाइनर संवाद है। इसके लिए फरहाद सामजी की तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर संवाद सिम्बा यानी रणबीर सिंह के हिस्से आए हैं। दूसरे कलाकारों के हिस्से के संवाद भी तीखे, ट्रेंडी और चुटकुले हैं। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उन्होंने ट्रेलर में इसकी झलक भी देखी होंगी। बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया बन पड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़ दे तो रोहित शेट्टी की अधिकांश फिल्मों में आउटडोर लोकेशन ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि सिम्बा में उन्होंने बेहतरीन लोकेशन पर रणवीर और सारा अली खान के ऊपर रोमांटिक गाना फिल्माया है। एक दो जगह को छोड़ दी जाए तो फिल्म की गति बंटी नेगी के संपादन के वजह से ठीक है। कैमरा वर्क भी अच्छा है, खासतौर से एक्शन सीन्स की विजुअल बहुत प्रभावी बन पड़े हैं। सिर्फ क्लाइमेक्स की सीन को छोड़ दिया जाए तो पहली बार रोहित शेट्टी ने अपनी किसी फिल्म में कारों का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिल्म के लिए आंख मारे को रिक्रिएट किया गया है, कई अन्य और गाने को भी यहाँ पर लाया गया है। गाने लंबी उम्र के नहीं है पर फिल्म के मूड को देखते हुए उन्हें ठीक कहा जा सकता है। सारा अली खान अपनी दूसरी ही फिल्म में साबित कर देती है कि अगर उन्हें स्क्रीन पर बढ़िया स्पेस मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगी। उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन वो कैमरा के सामने अच्छी और विश्वास से भरी नजर आती है। सारा की आंखों में एक्टिंग नजर नहीं आती। रणवीर का त्रिपुरी किरदार देख कर कभी कभी अनिल कपूर की याद आ जाती है। सिम्बा में भी अनिल के राम लखन के जैसा किरदार है लेकिन ये उतना दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी और कभी अनिल ने उसे शिद्दत से पर्दे पर निभाया था। इंटरवल से पहले और बाद में रणबीर के किरदार के दो शेड से किरदार की डिमांड के हिसाब से ये दोनों को असरदार होना था। घुसखोर टपोरी के रोल में रणबीर प्रभावित नहीं करते हैं। शुरुआती फ्रेम में तो ये ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। हालांकि चुटकुले वन लाइनर संवादों ने उन्हें बचा लिया है लेकिन एंग्री यंग मैन के किरदार में उनके हर इमोशन बेहद ही उम्दा बनकर दिखाई देते हैं। वो अपनी एक्टिंग की रो में दर्शकों को बहा ले जाते हैं। सोनू सूद ने अच्छा काम किया है। डॉन भाई पति और पिता के किरदार में वो जमे हैं पर सिंघम में प्रकाश राज के जैसा किरदार सिम्बा में नहीं गढ़ा गया है।
ये सोनू सूद का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आशुतोष राणा, अश्विनी किलकार, विपिन शर्मा, सिद्धार्थ यादव, अमृतपाल सिंह, नौशाद अब्बास और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी अपनी लेंथ के हिसाब से ठीक ठाक है। सिम्बा से साफ होता है कि रोहित शेट्टी अपने निर्देशन में दूसरे लेवल यानी फैमिली फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार फिल्म में वो सोसाइटी के लिहाज से एक संग बात करने और उसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का जोरदार त्रिकोण रचा है। मनोरंजन के लिहाज से उनके निर्देशन को पूरा नंबर दिया जा सकता है, लेकिन तमाम चीजें अखरती है, जैसे उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का काम अपवाद माना जा सकता है। फिल्म की कहानी में हीरोइन के किरदार को बड़ा किया जा सकता था, विषय के हिसाब से ये जायज भी था। अच्छा ये होता कि सिम्बा की मुंह बोली बहन के किरदार और सारा अली खान के किरदार को मिक्स कर दिया जाता तो एक घुसखोर पुलिस ऑफिसर में बदलाव और उसका रिवेंज आमिर खान की गजनी की तरह बेहद प्रभावी बन पड़ता। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में, एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है। डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और जब जाबाज गुड लुकिंग हीरो की जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने साथ होने वाले ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस अफसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और इसलिए वो पुलिस अफसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसा पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका ताप बदला गोवा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वह नहीं जानता कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहाँ उसे उसकी जिंदगी का प्यार शगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहाँ उसे आकृति जैसी मुंह बोली बहन, खुद्दार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहाँ के जाने माने डॉन ध्रुवा रानाडे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं, क्योंकि वह सिम्बा का मुंह पैसों से बंद कर देता है। फिर एक दिन ध्रुवा के दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं, बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी काली करतूतों की गवाह जो बन चुकी थी, बस उसी के बाद करप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वह न केवल आकृति के हत्यारों को सजा दिलाने का फैसला करता है, बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP बाजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री, जिसे कई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वह सच्चाई की राह अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की यह फिल्म यो तो सिंघम की स्पिन ऑफ है, मगर हम आपको बता दें कि यह तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। रोहित ने इसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणबीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया के केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपने धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की स्ट्रेंथ होते हैं, जो यहाँ भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद समझी के वन लाइनर्स पूरी फिल्म में चुटिलेपन को बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा की सिक्कल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत न होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सपर्ट वाले फनी अंदाज में जिया है।
उनकी चार ढाल लुक, संवाद, अदायगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने का मौका नहीं मिला। ध्रुवा रानाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उन जैसा पावरफुल विलन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ जाधव ने दर्शक का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे है। मिर्ची टॉप 20 में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है तो। यहाँ जाने फिल्म सिम्बा देखने से पहले फिल्म का पूरा रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। फिल्म के मूड के हिसाब से कहानी की जान दर्जनों वन लाइनर संवाद है। इसके लिए फरहाद सामजी की तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर संवाद सिम्बा यानी रणवीर सिंह के हिस्से आए हैं। दूसरे कलाकारों के हिस्से के संवाद भी तीखे, ट्रेंडी और चुटकुले हैं। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उन्होंने ट्रेलर में इसकी झलक भी देखी होंगी। बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया बन पड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़ दे तो रोहित शेट्टी की अधिकांश फिल्मों में आउटडोर लोकेशन ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि सिम्बा में उन्होंने बेहतरीन लोकेशन पर रणवीर और सारा अली खान के ऊपर रोमांटिक गाना फिल्माया है। एक दो जगह को छोड़ दी जाए तो फिल्म की गति बंटी नेगी के संपादन के वजह से ठीक है। कैमरा वर्क भी अच्छा है, खासतौर से एक्शन सीन्स की विजुअल बहुत प्रभावी बन पड़े है। सिर्फ क्लाइमैक्स की सीन को छोड़ दिया जाए तो पहली बार रोहित शेट्टी ने अपनी किसी फिल्म में कारों का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिल्म के लिए आंख मारे को रिक्रिएट किया गया है। कई अन्य और गाने को भी यहां पर लाया गया है। गाने लंबी उम्र के नहीं है पर फिल्म के मूड को देखते हुए उन्हें ठीक कहा जा सकता है। सारा अली खान अपनी दूसरी ही फिल्म में साबित कर देती है कि अगर उन्हें स्क्रीन पर बढ़िया स्पेस मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगी। उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन वो कैमरा के सामने अच्छी और विश्वास से भरी नजर आती है। सारा की आंखों में एक्टिंग नजर नहीं आती। रणवीर का त्रिपुरी किरदार देख कर कभी कभी अनिल कपूर की याद आ जाती है। सिम्बा में भी अनिल के राम लखन के जैसा किरदार है लेकिन ये उतना दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी और कभी अनिल ने उसे शिद्दत से पर्दे पर निभाया था। इंटरवल से पहले और बाद में रणवीर के किरदार के दो शेड से किरदार की डिमांड के हिसाब से ये दोनों को असरदार होना था। घुसखोर टपोरी के रोल में रणबीर प्रभावित नहीं करते हैं। शुरुआती फ्रेम में तो ये ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। हालांकि चुटकुले वन लाइनर संवादों ने उन्हें बचा लिया है लेकिन एंग्री यंग मैन के किरदार में उनके हर इमोशन बेहद ही उम्दा बनकर दिखाई देते हैं। वो अपनी एक्टिंग की रो में दर्शकों को बहा ले जाते हैं। सोनू सूद ने अच्छा काम किया है। डॉन भाई पति और पिता के किरदार में वो जमे हैं पर सिंघम में प्रकाश राज के जैसा किरदार सिम्बा में नहीं गढ़ा गया है। ये सोनू सूद का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आशुतोष राणा, अश्विनी किलकार, विपिन शर्मा, सिद्धार्थ यादव, अमृत पाल सिंह, नौसाद अब्बास और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी अपनी लेंथ के हिसाब से ठीक ठाक है। सिम्बा से साफ होता है कि रोहित शेट्टी अपने निर्देशन में दूसरे लेवल यानी फैमिली फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार फिल्म में वो सोसाइटी के लिहाज से एक संवाद करने और उसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का जोरदार त्रिकोण रचा है। मनोरंजन के लिहाज से उनके निर्देशन को पूरा नंबर दिया जा सकता है लेकिन तमाम चीजें अखरती है। जैसे उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का काम अपवाद माना जा सकता है। फिल्म की कहानी में हीरोइन के किरदार को बड़ा किया जा सकता था। विषय के हिसाब से ये जायज भी था। अच्छा ये होता कि सिम्बा की मुंह बोली बहन के किरदार और सारा अली खान के किरदार को मिक्स कर दिया जाता तो एक घुसखोर पुलिस ऑफिसर में बदलाव और उसका रिवेंज आमिर खान की गजनी की तरह बेहद प्रभावी बन पड़ता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है।
जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्रेम में एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है। डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और जब दाबाज गुड लुकिंग हीरो की जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने साथ होने वाले ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस अफसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसलिए वो पुलिस अफसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसा पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका ताप बदला गोवा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वह नहीं जानता कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है या उसे उसकी जिंदगी का प्यार शगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है, या उसे आकृति जैसी मुंह बोली बहन, खुद्दार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरवा रानाडे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं क्योंकि वह सिम्बा का मुंह पैसों से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरवा के दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी काली करतूतों की गवाह जो बन चुकी थी, बस उसी के बाद करप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वह न केवल आकृति के हत्यारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में डीसीपी बाजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जिससे कई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वह सच्चाई की राह अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की यह फिल्म यो तो सिंघम की स्पिन ऑफ है, मगर हम आपको बता दें कि यह तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। रोहित ने इसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणबीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है जिसे निर्भया के केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है, मगर फिर अजय देवगन अपने धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की स्ट्रेंथ होते हैं जो यहाँ भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद समझी के वन लाइनर्स पूरी फिल्म में चुटिलेपन को बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा की सिक्कल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत न होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सपर्ट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चार ढाल लुक, संवाद, अदायगी और एक्शन का अंदाज दर्शक को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने का मौका नहीं मिला। धुरवा रानाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उन जैसा पावरफुल विलन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ जाधव ने दर्शक का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे है। मिर्ची टॉप 20 में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है तो। यहाँ जाने फिल्म सिम्बा देखने से पहले फिल्म का पूरा रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। फिल्म के मूड के हिसाब से कहानी की जान दर्जनों वन लाइनर संवाद है, इसके लिए फरहाद सामजी की तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर संवाद सिम्बा यानी रणबीर सिंह के हिस्से आए हैं। दूसरे कलाकारों के हिस्से के संवाद भी तीखे, ट्रेंडी और चुटकुले हैं। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उन्होंने ट्रेलर में इसकी झलक भी देखी होंगी।
बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया बन पड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़ दे तो रोहित शेट्टी की अधिकांश फिल्मों में आउटडोर लोकेशन ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि सिम्बा में उन्होंने बेहतरीन लोकेशन पर रणवीर और सारा अली खान के ऊपर रोमांटिक गाना फिल्माया है। एक दो जगह को छोड़ दी जाए तो फिल्म की गति बंटी नेगी के संपादन के वजह से ठीक है। कैमरा वर्क भी अच्छा है, खासतौर से एक्शन सीन्स की विजुअल बहुत प्रभावी बन पड़े हैं। सिर्फ क्लाइमैक्स की सीन को छोड़ दिया जाए तो पहली बार रोहित शेट्टी ने अपनी किसी फिल्म में कारों का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिल्म के लिए आंख मारे को रिक्रिएट किया गया है, कई अन्य और गाने को भी यहां पर लाया गया है। गाने लंबी उम्र के नहीं है पर फिल्म के मूड को देखते हुए उन्हें ठीक कहा जा सकता है। सारा अली खान अपनी दूसरी ही फिल्म में साबित कर देती है कि अगर उन्हें स्क्रीन पर बढ़िया स्पेस मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगी। उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन वो कैमरा के सामने अच्छी और विश्वास से भरी नजर आती है। सारा की आंखों में एक्टिंग नजर नहीं आती। रणवीर का त्रिपुरी किरदार देखकर कभी कभी अनिल कपूर की याद आ जाती है। सिम्बा में भी अनिल के राम लखन के जैसा किरदार है लेकिन ये उतना दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी और कभी अनिल ने उसे शिद्दत से पर्दे पर निभाया था। इंटरवल से पहले और बाद में रणवीर के किरदार के दो शेड से किरदार की डिमांड के हिसाब से ये दोनों को असरदार होना था। घुसखोर टपोरी के रोल में रणवीर प्रभावित नहीं करते हैं। शुरुआती फ्रेम में तो ये ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। हालांकि चुटकुले वन लाइनर संवादों ने उन्हें बचा लिया है लेकिन एंग्री यंग मैन के किरदार में उनके हर इमोशन बेहद ही उम्दा बनकर दिखाई देते हैं। वो अपनी एक्टिंग की रो में दर्शकों को बहा ले जाते हैं। सोनू सूद ने अच्छा काम किया है। डॉन भाई पति अर्पिता के किरदार में वो जमे हैं पर सिंघम में प्रकाश राज के जैसा किरदार सिम्बा में नहीं गढ़ा गया है। ये सोनू सूद का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आशुतोष राणा, अश्विनी किलकार, बिपिन शर्मा, सिद्धार्थ यादव, अमृत पाल सिंह, नौसाद अब्बास और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी अपनी लेंथ के हिसाब से ठीक ठाक है। सिम्बा से साफ होता है कि रोहित शेट्टी अपने निर्देशन में दूसरे लेवल यानी फैमिली फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार फिल्म में वो सोसाइटी के लिहाज से एक संवाद करने और उसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का जोरदार त्रिकोण रचा है। मनोरंजन के लिहाज से उनके निर्देशन को पूरा नंबर दिया जा सकता है लेकिन तमाम चीजें अखरती है। जैसे उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का काम अपवाद माना जा सकता है। फिल्म की कहानी में हीरोइन के किरदार को बड़ा किया जा सकता था। विषय के हिसाब से ये जायज भी था। अच्छा ये होता कि सिम्बा की मुंह बोली बहन के किरदार और सारा अली खान के किरदार को मिक्स कर दिया जाता तो एक घुसखोर पुलिस ऑफिसर में बदलाव और उसका रिवेंज आमिर खान की गजनी की तरह बेहद प्रभावी बन पड़ता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और जब जाबाज गुड लुकिंग हीरो की जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने साथ होने वाले ट्रेजेड के बाद ईमानदार पुलिस अफसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसलिए वो पुलिस अफसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसा पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबादला गोवा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे मगर वह नहीं जानता कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है।
यहाँ उसे उसकी जिंदगी का प्यार शगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहाँ उसे आकृति जैसी मुंह बोली बहन, खुद्दार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है, जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहाँ के जाने माने डॉन ध्रुवा रानाडे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं, क्योंकि वह सिम्बा का मुंह पैसों से बंद कर देता है। फिर एक दिन ध्रुवा के दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं, बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी काली करतूतों की गवाह जो बन चुकी थी, बस उसी के बाद करप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वह न केवल आकृति के हत्यारों को सजा दिलाने का फैसला करता है, बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में डीसीपी बाजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री, जिससे कई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वह सच्चाई की राह अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की यह फिल्म यो तो सिंघम की स्पिन ऑफ है, मगर हम आपको बता दें कि यह तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। रोहित ने इसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणबीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया के केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपने धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की स्ट्रेंथ होते हैं, जो यहाँ भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद समझी के वन लाइनर्स पूरी फिल्म में चुटिलेपन को बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा की सिक्कल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत न होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सपर्ट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चार ढाल लुक, संवाद, अदायगी और एक्शन का अंदाज दर्शक को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने का मौका नहीं मिला। ध्रुवा रानाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उन जैसा पावरफुल विलन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ जाधव ने दर्शक का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो G5 पर जाकर देख सकते है, अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है तो। यहाँ जाने फिल्म सिम्बा देखने से पहले फिल्म का पूरा रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। फिल्म के मूड के हिसाब से कहानी की जान दर्जनों वन लाइनर संवाद है, इसके लिए फरहाद सामजी की तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर संवाद सिम्बा यानी रणबीर सिंह के हिस्से आए हैं। दूसरे कलाकारों के हिस्से के संवाद भी तीखे, ट्रेंडी और चुटकुले है। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उन्होंने ट्रेलर में इसकी झलक भी देखी होंगी। बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया बन पड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़ दे तो रोहित शेट्टी की अधिकांश फिल्मों में आउटडोर लोकेशन ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि सिम्बा में उन्होंने बेहतरीन लोकेशन पर रणवीर और सारा अली खान के ऊपर रोमांटिक गाना फिल्माया है। एक दो जगह को छोड़ दी जाए तो फिल्म की गति बंटी नेगी के संपादन के वजह से ठीक है। कैमरा वर्क भी अच्छा है, खासतौर से एक्शन सीन्स की विजुअल बहुत प्रभावी बन पड़े हैं। सिर्फ क्लाइमैक्स की सीन को छोड़ दिया जाए तो पहली बार रोहित शेट्टी ने अपनी किसी फिल्म में कारों का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिल्म के लिए आंख मारे को रिक्रिएट किया गया है, कई अन्य और गाने को भी यहाँ पर लाया गया है। गाने लंबी उम्र के नहीं है पर फिल्म के मूड को देखते हुए उन्हें ठीक कहा जा सकता है। सारा अली खान अपनी दूसरी ही फिल्म में साबित कर देती है कि अगर उन्हें स्क्रीन पर बढ़िया स्पेस मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगी। उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन वो कैमरा के सामने अच्छी और विश्वास से भरी नजर आती है। सारा की आंखों में एक्टिंग नजर नहीं आती। रणवीर का त्रिपुरी किरदार देख कर कभी कभी अनिल कपूर की याद आ जाती है। सिम्बा में भी अनिल के राम लखन के जैसा किरदार है लेकिन ये उतना दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी और कभी अनिल ने उसे
शिद्दत से पर्दे पर निभाया था। इंटरवल से पहले और बाद में रणबीर के किरदार के दो शेड से किरदार की डिमांड के हिसाब से ये दोनों को असरदार होना था। घुसखोर टपोरी के रोल में रणबीर प्रभावित नहीं करते हैं, शुरुआती फ्रेम में तो ये ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। हालांकि चुटकुले वन लाइनर संवादों ने उन्हें बचा लिया है, लेकिन एंग्री यंग मैन के किरदार में उनके हर इमोशन बेहद ही उम्दा बनकर दिखाई देते हैं। वो अपनी एक्टिंग की रो में दर्शकों को बहा ले जाते हैं। सोनू सूद ने अच्छा काम किया है, डॉन भाई पति अर्पिता के किरदार में वो जमे हैं, पर सिंघम में प्रकाश राज के जैसा किरदार सिम्बा में नहीं गढ़ा गया है। ये सोनू सूद का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आशुतोष राणा, अश्विनी किलकार, विपिन शर्मा, सिद्धार्थ यादव, अमृत पाल सिंह, नौसाद अब्बास और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी अपनी लेंथ के हिसाब से ठीक ठाक है। सिम्बा से साफ होता है कि रोहित शेट्टी अपने निर्देशन में दूसरे लेवल यानी फैमिली फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार फिल्म में वो सोसाइटी के लिहाज से एक संवाद करने और उसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का जोरदार त्रिकोण रचा है। मनोरंजन के लिहाज से उनके निर्देशन को पूरा नंबर दिया जा सकता है, लेकिन तमाम चीजें अखरती है। जैसे उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का काम अपवाद माना जा सकता है। फिल्म की कहानी में हीरोइन के किरदार को बड़ा किया जा सकता था, विषय के हिसाब से ये जायज भी था। अच्छा ये होता कि सिम्बा की मुंह बोली बहन के किरदार और सलाह अली खान के किरदार को मिक्स कर दिया जाता तो एक घुसखोर पुलिस ऑफिसर में बदलाव और उसका रिवेंज आमिर खान की गजनी की तरह बेहद प्रभावी बन पड़ता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और जब जाबाज गुड लुकिंग हीरो की जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने साथ होने वाले ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस अफसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसलिए वो पुलिस अफसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसा पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबादला गोवा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वह नहीं जानता कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है या उसे उसकी जिंदगी का प्यार शगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है, या उसे आकृति जैसी मुंह बोली बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरवा रानाडे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं क्योंकि वह सिम्बा का मुंह पैसों से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरवा के दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी काली करतूतों की गवाह जो बन चुकी थी, बस उसी के बाद करप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वह न केवल आकृति के हत्यारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP बाजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जिसे कई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वह सच्चाई की राह अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की यह फिल्म यो तो सिंघम की स्पिन ऑफ है, मगर हम आपको बता दें कि यह तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। रोहित ने इसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है जहाँ कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणबीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है।
जिसे निर्भया के केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपने धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की स्ट्रेंथ होते हैं, जो यहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद समझी के वन लाइनर्स पूरी फिल्म में चुटिलेपन को बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा की सिक्कल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत न होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सपर्ट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चार ढाल लुक, संवाद, अदायगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने का मौका नहीं मिला। ध्रुवा रानाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उन जैसा पावरफुल विलन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ जाधव ने दर्शक का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो Zee5 पर जाकर देख सकते है, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है तो। यहाँ जाने फिल्म सिम्बा देखने से पहले फिल्म का पूरा रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। फिल्म के मूड के हिसाब से कहानी की जान दर्जनों वन लाइनर संवाद है। इसके लिए फरहाद सामजी की तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर संवाद सिम्बा यानी रणवीर सिंह के हिस्से आए हैं। दूसरे कलाकारों के हिस्से के संवाद भी तीखे, ट्रेंडी और चुटकुले है। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उन्होंने ट्रेलर में इसकी झलक भी देखी होंगी। बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया बन पड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़ दे तो रोहित शेट्टी की अधिकांश फिल्मों में आउटडोर लोकेशन ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि सिम्बा में उन्होंने बेहतरीन लोकेशन पर रणवीर और सारा अली खान के ऊपर रोमांटिक गाना फिल्माया है। एक दो जगह को छोड़ दी जाए तो फिल्म की गति बंटी नेगी के संपादन के वजह से ठीक है। कैमरा वर्क भी अच्छा है, खासतौर से एक्शन सीन्स की विजुअल बहुत प्रभावी बन पड़े हैं। सिर्फ क्लाइमेक्स की सीन को छोड़ दिया जाए तो पहली बार रोहित शेट्टी ने अपनी किसी फिल्म में कारों का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिल्म के लिए आंख मारे को रिक्रिएट किया गया है, कई अन्य और गाने को भी यहाँ पर लाया गया है। गाने लंबी उम्र के नहीं है पर फिल्म के मूड को देखते हुए उन्हें ठीक कहा जा सकता है। सारा अली खान अपनी दूसरी ही फिल्म में साबित कर देती है कि अगर उन्हें स्क्रीन पर बढ़िया स्पेस मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगी। उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन वो कैमरा के सामने अच्छी और विश्वास से भरी नजर आती है। सारा की आंखों में एक्टिंग नजर नहीं आती। रणवीर का त्रिपुरी किरदार देखकर कभी कभी अनिल कपूर की याद आ जाती है। सिम्बा में भी अनिल के राम लखन के जैसा किरदार है लेकिन ये उतना दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी और कभी अनिल ने उसे शिद्दत से पर्दे पर निभाया था। इंटरवल से पहले और बाद में रणवीर के किरदार के दो शेड से किरदार की डिमांड के हिसाब से ये दोनों को असरदार होना था। घुसखोर टपोरी के रोल में रणवीर प्रभावित नहीं करते हैं। शुरुआती फ्रेम में तो ये ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। हालांकि चुटकुले वन लाइनर संवादों ने उन्हें बचा लिया है लेकिन एंग्री यंग मैन के किरदार में उनके हर इमोशन बेहद ही उम्दा बनकर दिखाई देते हैं। वो अपनी एक्टिंग की रो में दर्शकों को वहां ले जाते हैं। सोनू सूद ने अच्छा काम किया है। डॉन भाई, पति और पिता के किरदार में वो जमे हैं पर सिंघम में प्रकाश राज के जैसा किरदार सिम्बा में नहीं गढ़ा गया है। ये सोनू सूद का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आशुतोष राणा, अश्विनी किलकार, विपिन शर्मा, सिद्धार्थ यादव, अमृत पाल सिंह, नौशाद अब्बास और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी अपनी लेंथ के हिसाब से ठीक ठाक है। सिम्बा से साफ होता है कि रोहित शेट्टी अपने निर्देशन में दूसरे लेवल यानी फैमिली फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार फिल्म में वो सोसाइटी के लिहाज से एक संवाद करने और उसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का जोरदार त्रिकोण रचा है। मनोरंजन के लिहाज से उनके निर्देशन को पूरा नंबर दिया जा सकता है लेकिन तमाम चीजें अखरती है। जैसे उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का काम अपवाद माना जा सकता है। फिल्म की कहानी में
किरदार को बड़ा किया जा सकता था। विषय के हिसाब से ये जायज भी था। अच्छा ये होता कि सिम्बा की मुंह बोली बहन के किरदार और सारा अली खान के किरदार को मिक्स कर दिया जाता तो एक घुसखोर पुलिस ऑफिसर में बदलाव और उसका रिवेंज आमिर खान की गजनी की तरह बेहद प्रभावी बन पड़ता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और जब जाबाज गुड लुकिंग हीरो की जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने साथ होने वाले ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस अफसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसलिए वो पुलिस अफसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसा पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका ताप बदला गोवा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वह नहीं जानता कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है या उसे उसकी जिंदगी का प्यार शगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है या उसे आकृति जैसी मुंह बोली बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन ध्रुवा रानाडे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसों से बंद कर देता है। फिर एक दिन ध्रुवा के दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी काली करतूतों की गवाह जो बन चुकी थी, बस उसी के बाद करप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वह न केवल आकृति के हत्यारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP बाजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जिसे कई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वह सच्चाई की राह अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की यह फिल्म यो तो सिंघम की स्पिन ऑफ है, मगर हम आपको बता दें कि यह तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। रोहित ने इसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है जहाँ कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणबीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है जिसे निर्भया के केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है, मगर फिर अजय देवगन अपने धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की स्ट्रेंथ होते हैं जो यहाँ भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद समझी के वन लाइनर्स पूरी फिल्म में चुटिलेपन को बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा की सिक्कल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत न होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सपर्ट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चार ढाल लुक, संवाद, अदायगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने का मौका नहीं मिला। ध्रुवा रानाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उन जैसा पावरफुल विलन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ जाधव ने दर्शक का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर जाकर देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है तो।
यहाँ जाने फिल्म सिम्बा देखने से पहले फिल्म का पूरा रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। फिल्म के मूड के हिसाब से कहानी की जान दर्जनों वन लाइनर संवाद है। इसके लिए फरहाद सामजी की तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर संवाद सिम्बा यानी रणवीर सिंह के हिस्से आए हैं। दूसरे कलाकारों के हिस्से के संवाद भी तीखे, ट्रेंडी और चुटकुले हैं। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उन्होंने ट्रेलर में इसकी झलक भी देखी होंगी। बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया बन पड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़ दे तो रोहित शेट्टी की अधिकांश फिल्मों में आउटडोर लोकेशन ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि सिम्बा में उन्होंने बेहतरीन लोकेशन पर रणवीर और सारा अली खान के ऊपर रोमांटिक गाना फिल्माया है। एक दो जगह को छोड़ दी जाए तो फिल्म की गति बंटी नेगी के संपादन के वजह से ठीक है। कैमरा वर्क भी अच्छा है, खासतौर से एक्शन सीन्स की विजुअल बहुत प्रभावी बन पड़े हैं। सिर्फ क्लाइमैक्स की सीन को छोड़ दिया जाए तो पहली बार रोहित शेट्टी ने अपनी किसी फिल्म में कारों का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिल्म के लिए आंख मारे को रिक्रिएट किया गया है। कई अन्य और गाने को भी यहाँ पर लाया गया है। गाने लंबी उम्र के नहीं है पर फिल्म के मूड को देखते हुए उन्हें ठीक कहा जा सकता है। सारा अली खान अपनी दूसरी ही फिल्म में साबित कर देती है कि अगर उन्हें स्क्रीन पर बढ़िया स्पेस मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगी। उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन वो कैमरा के सामने अच्छी और विश्वास से भरी नजर आती है। सारा की आंखों में एक्टिंग नजर नहीं आती। रणवीर का त्रिपुरी किरदार देखकर कभी कभी अनिल कपूर की याद आ जाती है। सिम्बा में भी अनिल के राम लखन के जैसा किरदार है लेकिन ये उतना दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी और कभी अनिल ने उसे शिद्दत से पर्दे पर निभाया था। इंटरवल से पहले और बाद में रणवीर के किरदार के दो शेड से किरदार की डिमांड के हिसाब से ये दोनों को असरदार होना था। घुसखोर टपोरी के रोल में रणवीर प्रभावित नहीं करते हैं। शुरुआती फ्रेम में तो ये ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। हालांकि चुटकुले वन लाइनर संवादों ने उन्हें बचा लिया है लेकिन एंग्री यंग मैन के किरदार में उनके हर इमोशन बेहद ही उम्दा बनकर दिखाई देते हैं। वो अपनी एक्टिंग की रो में दर्शकों को बहा ले जाते हैं। सोनू सूद ने अच्छा काम किया है। डॉन भाई पति और पिता के किरदार में वो जमे हैं पर सिंघम में प्रकाश राज के जैसा किरदार सिम्बा में नहीं गढ़ा गया है। ये सोनू सूद का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आशुतोष राणा, अश्विनी किलकार, विपिन शर्मा, सिद्धार्थ यादव, अमृत पाल सिंह, नौसाद अब्बास और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी अपनी लेंथ के हिसाब से ठीक ठाक है। सिम्बा से साफ होता है कि रोहित शेट्टी अपने निर्देशन में दूसरे लेवल यानी फैमिली फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार फिल्म में वो सोसाइटी के लिहाज से एक संवाद करने और उसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का जोरदार त्रिकोण रचा है। मनोरंजन के लिहाज से उनके निर्देशन को पूरा नंबर दिया जा सकता है लेकिन तमाम चीजें अखरती है। जैसे उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का काम अपवाद माना जा सकता है। फिल्म की कहानी में हीरोइन के किरदार को बड़ा किया जा सकता था। विषय के हिसाब से ये जायज भी था। अच्छा ये होता कि सिम्बा की मुंह बोली बहन के किरदार और सारा अली खान के किरदार को मिक्स कर दिया जाता तो एक घुसखोर पुलिस ऑफिसर में बदलाव और उसका रिवेंज आमिर खान की गजनी की तरह बेहद प्रभावी बन पड़ता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और जब जाबाज गुड लुकिंग हीरो की जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने साथ होने वाले ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस अफसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसलिए वो पुलिस अफसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसा पुलिस वाला बन जाता है
जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका ताप बदला गोवा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वह नहीं जानता कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है या उसे उसकी जिंदगी का प्यार शगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है, या उसे आकृति जैसी मुंह बोली बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहाँ के जाने माने डॉन ध्रुवा रानाडे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं, क्योंकि वह सिम्बा का मुंह पैसों से बंद कर देता है। फिर एक दिन ध्रुवा के दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं, बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी काली करतूतों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद करप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वह न केवल आकृति के हत्यारों को सजा दिलाने का फैसला करता है, बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में डीसीपी बाजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री, जिसे कई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वह सच्चाई की राह अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की यह फिल्म यो तो सिंघम की स्पिन ऑफ है, मगर हम आपको बता दें कि यह तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। रोहित ने इसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणबीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया के केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपने धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की स्ट्रेंथ होते हैं, जो यहाँ भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद समझी के वन लाइनर्स पूरी फिल्म में चुटिलेपन को बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा की सिक्कल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत न होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सपर्ट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चार ढाल लुक, संवाद, अदायगी और एक्शन का अंदाज दर्शक को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने का मौका नहीं मिला। ध्रुवा रानाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उन जैसा पावरफुल विलन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ जाधव ने दर्शक का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है तो। यहाँ जाने फिल्म सिम्बा देखने से पहले फिल्म का पूरा रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। फिल्म के मूड के हिसाब से कहानी की जान दर्जनों वन लाइनर संवाद है, इसके लिए फरहाद सामजी की तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर संवाद सिम्बा यानी रणबीर सिंह के हिस्से आए हैं। दूसरे कलाकारों के हिस्से के संवाद भी तीखे, ट्रेंडी और चुटकुले हैं। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उन्होंने ट्रेलर में इसकी झलक भी देखी होंगी। बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया बन पड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़ दे तो रोहित शेट्टी की अधिकांश फिल्मों में आउटडोर लोकेशन ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि सिम्बा में उन्होंने बेहतरीन लोकेशन पर रणवीर और सारा अली खान के ऊपर रोमांटिक गाना फिल्माया है। एक दो जगह को छोड़ दी जाए तो फिल्म की गति बंटी नेगी के संपादन के वजह से ठीक है। कैमरा वर्क भी अच्छा है, खासतौर से एक्शन सीन्स की विजुअल बहुत प्रभावी बन पड़े है। सिर्फ क्लाइमेक्स की सीन को छोड़ दिया जाए तो पहली बार रोहित शेट्टी ने अपनी किसी फिल्म में कारों का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिल्म के लिए आंख मारे को रिक्रिएट किया गया है, कई अन्य और गाने को भी यहां पर लाया गया है। गाने लंबी उम्र के नहीं है पर फिल्म के मूड को देखते हुए उन्हें ठीक कहा जा सकता है। सारा अली खान अपनी दूसरी ही फिल्म में साबित कर देती है कि अगर उन्हें स्क्रीन पर बढ़िया स्पेस मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगी।
उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो कैमरा के सामने अच्छी और विश्वास से भरी नजर आती है। सारा की आंखों में एक्टिंग नजर नहीं आती। रणवीर का त्रिपुरी किरदार देख कर कभी कभी अनिल कपूर की याद आ जाती है। सिम्बा में भी अनिल के राम लखन के जैसा किरदार है, लेकिन ये उतना दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी और कभी अनिल ने उसे शिद्दत से पर्दे पर निभाया था। इंटरवल से पहले और बाद में रणबीर के किरदार के दो शेड से किरदार की डिमांड के हिसाब से ये दोनों को असरदार होना था। घुसखोर टपोरी के रोल में रणबीर प्रभावित नहीं करते हैं। शुरुआती फ्रेम में तो ये ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। हालांकि चुटकुले वन लाइनर संवादों ने उन्हें बचा लिया है, लेकिन एंग्री यंग मैन के किरदार में उनके हर इमोशन बेहद ही उम्दा बनकर दिखाई देते हैं। वो अपनी एक्टिंग की रो में दर्शकों को बहा ले जाते हैं। सोनू सूद ने अच्छा काम किया है। डॉन भाई पति और पिता के किरदार में वो जमे हैं, पर सिंघम में प्रकाश राज के जैसा किरदार सिम्बा में नहीं गढ़ा गया है। ये सोनू सूद का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आशुतोष राणा, अश्विनी किलकार, विपिन शर्मा, सिद्धार्थ यादव, अमृत पाल सिंह, नौसाद अब्बास और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी अपनी लेंथ के हिसाब से ठीक ठाक है। सिम्बा से साफ होता है कि रोहित शेट्टी अपने निर्देशन में दूसरे लेवल यानी फैमिली फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार फिल्म में वो सोसाइटी के लिहाज से एक संवाद करने और उसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का जोरदार त्रिकोण रचा है। मनोरंजन के लिहाज से उनके निर्देशन को पूरा नंबर दिया जा सकता है, लेकिन तमाम चीजें अखरती है। जैसे उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का काम अपवाद माना जा सकता है। फिल्म की कहानी में हीरोइन के किरदार को बड़ा किया जा सकता था, विषय के हिसाब से ये जायज भी था। अच्छा ये होता कि सिम्बा की मुंह बोली बहन के किरदार और सारा अली खान के किरदार को मिक्स कर दिया जाता तो एक घुसखोर पुलिस ऑफिसर में बदलाव और उसका रिवेंज आमिर खान की गजनी की तरह बेहद प्रभावी बन पड़ता। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में, एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है। डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और जब दाबाज गुड लुकिंग हीरो की जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने साथ होने वाले ट्रेजिड के बाद ईमानदार पुलिस अफसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसलिए वो पुलिस अफसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसा पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबादला गोवा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वह नहीं जानता कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है या उसे उसकी जिंदगी का प्यार शगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है, या उसे आकृति जैसी मुंह बोली बहन, खुद्दार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन ध्रुवा रानाडे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं क्योंकि वह सिम्बा का मुंह पैसों से बंद कर देता है। फिर एक दिन ध्रुवा के दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी काली करतूतों की गवाह जो बन चुकी थी, बस उसी के बाद करप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वह न केवल आकृति के हत्यारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP बाजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जिससे कई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वह सच्चाई की राह अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी।
रोहित शेट्टी की यह फिल्म यो तो सिंगम की स्पिन ऑफ है, मगर हम आपको बता दें कि यह तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने इसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कॉस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणबीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया के केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपने धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की स्ट्रेंथ होते हैं, जो यहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद समझी के वन लाइनर्स पूरी फिल्म में चुटिलेपन को बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा की सिक्कल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत न होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सपर्ट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चार ढाल लुक, संवाद, अदायगी और एक्शन का अंदाज दर्शक को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने का मौका नहीं मिला। ध्रुवा रानाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उन जैसा पावरफुल विलन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ जाधव ने दर्शक का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे है। मिर्ची टॉप 20 में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है तो। यहाँ जाने फिल्म सिम्बा देखने से पहले फिल्म का पूरा रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। फिल्म के मूड के हिसाब से कहानी की जान दर्जनों वन लाइनर संवाद है। इसके लिए फरहाद सामजी की तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर संवाद सिम्बा यानी रणबीर सिंह के हिस्से आए हैं। दूसरे कलाकारों के हिस्से के संवाद भी तीखे, ट्रेंडी और चुटकुले हैं। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है, उन्होंने ट्रेलर में इसकी झलक भी देखी होंगी। बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया बन पड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़ दे तो रोहित शेट्टी की अधिकांश फिल्मों में आउटडोर लोकेशन ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि सिम्बा में उन्होंने बेहतरीन लोकेशन पर रणवीर और सारा अली खान के ऊपर रोमांटिक गाना फिल्माया है। एक दो जगह को छोड़ दी जाए तो फिल्म की गति बंटी नेगी के संपादन के वजह से ठीक है। कैमरा वर्क भी अच्छा है, खासतौर से एक्शन सीन्स की विजुअल बहुत प्रभावी बन पड़े हैं। सिर्फ क्लाइमैक्स की सीन को छोड़ दिया जाए तो पहली बार रोहित शेट्टी ने अपनी किसी फिल्म में कारों का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिल्म के लिए आंख मारे को रिक्रिएट किया गया है, कई अन्य और गाने को भी यहां पर लाया गया है। गाने लंबी उम्र के नहीं है, पर फिल्म के मूड को देखते हुए उन्हें ठीक कहा जा सकता है। सारा अली खान अपनी दूसरी ही फिल्म में साबित कर देती है कि अगर उन्हें स्क्रीन पर बढ़िया स्पेस मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगी। उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो कैमरा के सामने अच्छी और विश्वास से भरी नजर आती है। सारा की आंखों में एक्टिंग नजर नहीं आती। रणवीर का त्रिपुरी किरदार देखकर कभी कभी अनिल कपूर की याद आ जाती है। सिम्बा में भी अनिल के राम लखन के जैसा किरदार है, लेकिन ये उतना दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी और कभी अनिल ने उसे शिद्दत से पर्दे पर निभाया था। इंटरवल से पहले और बाद में रणवीर के किरदार के दो शेड से किरदार की डिमांड के हिसाब से ये दोनों को असरदार होना था। घुसखोर टपोरी के रोल में रणबीर प्रभावित नहीं करते हैं। शुरुआती फ्रेम में तो ये ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। हालांकि चुटकुले वन लाइनर संवादों ने उन्हें बचा लिया है, लेकिन एंग्री यंग मैन के किरदार में उनके हर इमोशन बेहद ही उम्दा बनकर दिखाई देते हैं। वो अपनी एक्टिंग की रो में दर्शकों को बहा ले जाते हैं। सोनू सूद ने अच्छा काम किया है। डॉन भाई पति अर्पिता के किरदार में वो जमे हैं, पर सिंगम में प्रकाश राज के जैसा किरदार सिम्बा में नहीं गढ़ा गया है। ये सोनू सूद का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आशुतोष राणा, अश्विनी किलकार, विपिन शर्मा, सिद्धार्थ यादव, अमृत पाल सिंह, नौसाद अब्बास और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी अपनी लेंथ के हिसाब से ठीक ठाक है। सिम्बा से साफ होता है कि रोहित शेट्टी अपने निर्देशन में दूसरे लेवल यानी फैमिली फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं।
पहली बार फिल्म में वो सोसाइटी के लिहाज से एक संग बात करने और उसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का जोरदार त्रिकोण रचा है। मनोरंजन के लिहाज से उनके निर्देशन को पूरा नंबर दिया जा सकता है, लेकिन तमाम चीजें अखरती है, जैसे उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का काम अपवाद माना जा सकता है। फिल्म की कहानी में हीरोइन के किरदार को बड़ा किया जा सकता था, विषय के हिसाब से ये जायज भी था। अच्छा ये होता कि सिम्बा की मुंह बोली बहन के किरदार और सलाह अली खान के किरदार को मिक्स कर दिया जाता तो एक घुसखोर पुलिस ऑफिसर में बदलाव और उसका रिवेंज आमिर खान की गजनी की तरह बेहद प्रभावी बन पड़ता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में, एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है। डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और जब जाबाज गुड लुकिंग हीरो की जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने साथ होने वाले ट्रेजेड के बाद ईमानदार पुलिस अफसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसलिए वो पुलिस अफसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसा पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका ताप बदला गोवा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वह नहीं जानता कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है या उसे उसकी जिंदगी का प्यार शगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है, या उसे आकृति जैसी मुंह बोली बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन ध्रुवा रानाडे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं क्योंकि वह सिम्बा का मुंह पैसों से बंद कर देता है। फिर एक दिन ध्रुवा के दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी काली करतूतों की गवाह जो बन चुकी थी, बस उसी के बाद करप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वह न केवल आकृति के हत्यारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP बाजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जिससे कई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वह सच्चाई की राह अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की यह फिल्म यो तो सिंघम की स्पिन ऑफ है, मगर हम आपको बता दें कि यह तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। रोहित ने इसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है जहाँ कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणबीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है जिसे निर्भया के केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है, मगर फिर अजय देवगन अपने धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की स्ट्रेंथ होते हैं जो यहाँ भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद समझी के वन लाइनर्स पूरी फिल्म में चुटिलेपन को बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा की सिक्कल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत न होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सपर्ट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चार ढाल लुक, संवाद, अदायगी और एक्शन का अंदाज दर्शक को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने का मौका नहीं मिला। ध्रुवा रानाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उन जैसा पावरफुल विलन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ जाधव ने
दर्शक का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो Zee5 पर जाकर देख सकते है, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है तो। यहाँ जाने फिल्म सिम्बा देखने से पहले फिल्म का पूरा रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। फिल्म के मूड के हिसाब से कहानी की जान दर्जनों वन लाइनर संवाद है। इसके लिए फरहाद सामजी की तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर संवाद सिम्बा यानी रणवीर सिंह के हिस्से आए हैं। दूसरे कलाकारों के हिस्से के संवाद भी तीखे ट्रेंडी और चुटकुले है। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उन्होंने ट्रेलर में इसकी झलक भी देखी होंगी। बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया बन पड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़ दे तो रोहित शेट्टी की अधिकांश फिल्मों में आउटडोर लोकेशन ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि सिम्बा में उन्होंने बेहतरीन लोकेशन पर रणवीर और सारा अली खान के ऊपर रोमांटिक गाना फिल्माया है। एक दो जगह को छोड़ दी जाए तो फिल्म की गति बंटी नेगी के संपादन के वजह से ठीक है। कैमरा वर्क भी अच्छा है, खासतौर से एक्शन सीन्स की विजुअल बहुत प्रभावी बन पड़े हैं। सिर्फ क्लाइमैक्स की सीन को छोड़ दिया जाए तो पहली बार रोहित शेट्टी ने अपनी किसी फिल्म में कारों का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिल्म के लिए आंख मारे को रिक्रिएट किया गया है। कई अन्य और गाने को भी यहाँ पर लाया गया है। गाने लंबी उम्र के नहीं है पर फिल्म के मूड को देखते हुए उन्हें ठीक कहा जा सकता है। सारा अली खान अपनी दूसरी ही फिल्म में साबित कर देती है कि अगर उन्हें स्क्रीन पर बढ़िया स्पेस मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगी। उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन वो कैमरा के सामने अच्छी और विश्वास से भरी नजर आती है। सारा की आंखों में एक्टिंग नजर नहीं आती। रणवीर का त्रिपुरी किरदार देख कर कभी कभी अनिल कपूर की याद आ जाती है। सिम्बा में भी अनिल के राम लखन के जैसा किरदार है लेकिन ये उतना दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी और कभी अनिल ने उसे शिद्दत से पर्दे पर निभाया था। इंटरवल से पहले और बाद में रणबीर के किरदार के दो शेड से किरदार की डिमांड के हिसाब से ये दोनों को असरदार होना था। घुसखोर टपोरी के रोल में रणबीर प्रभावित नहीं करते हैं। शुरुआती फ्रेम में तो ये ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। हालांकि चुटकुले वन लाइनर संवादों ने उन्हें बचा लिया है लेकिन एंग्री यंग मैन के किरदार में उनके हर इमोशन बेहद ही उम्दा बनकर दिखाई देते हैं। वो अपनी एक्टिंग की रो में दर्शकों को बहा ले जाते हैं। सोनू सूद ने अच्छा काम किया है। डॉन भाई पति और पिता के किरदार में वो जमे हैं पर सिंघम में प्रकाश राज के जैसा किरदार सिम्बा में नहीं गढ़ा गया है। ये सोनू सूद का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आशुतोष राणा, अश्विनी किलकार, विपिन शर्मा, सिद्धार्थ यादव, अमृत पाल सिंह, नौसाद अब्बास और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी अपनी लेंथ के हिसाब से ठीक ठाक है। सिम्बा से साफ होता है कि रोहित शेट्टी अपने निर्देशन में दूसरे लेवल यानी फैमिली फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार फिल्म में वो सोसाइटी के लिहाज से एक संवाद करने और उसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का जोरदार त्रिकोण रचा है। मनोरंजन के लिहाज से उनके निर्देशन को पूरा नंबर दिया जा सकता है लेकिन तमाम चीजें अखरती है। जैसे उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का काम अपवाद माना जा सकता है। फिल्म की कहानी में हीरोइन के किरदार को बड़ा किया जा सकता था। विषय के हिसाब से ये जायज भी था। अच्छा ये होता कि सिम्बा की मुंह बोली बहन के किरदार और सारा अली खान के किरदार को मिक्स कर दिया जाता तो एक घुसखोर पुलिस ऑफिसर में बदलाव और उसका रिवेंज आमिर खान की गजनी की तरह बेहद प्रभावी बन पड़ता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और जब जाबाज गुड लुकिंग हीरो की जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे।
मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने साथ होने वाले ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस अफसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसलिए वो पुलिस अफसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसा पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबादला गोवा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वह नहीं जानता कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है या उसे उसकी जिंदगी का प्यार शगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहाँ उसे आकृति जैसी मुंह बोली बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहाँ के जाने माने डॉन ध्रुवा रानाडे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं क्योंकि वह सिम्बा का मुंह पैसों से बंद कर देता है। फिर एक दिन ध्रुवा के दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी काली करतूतों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद करप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वह न केवल आकृति के हत्यारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में डीसीपी बाजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जिसे कई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वह सच्चाई की राह अपना पाएगा, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की यह फिल्म यो तो सिंघम की स्पिन ऑफ है, मगर हम आपको बता दें कि यह तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। रोहित ने इसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है जहाँ कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणबीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है जिसे निर्भया के केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपने धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की स्ट्रेंथ होते हैं जो यहाँ भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद समझी के वन लाइनर्स पूरी फिल्म में चुटिलेपन को बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा की सिक्कल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत न होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सपर्ट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चार ढाल लुक, संवाद, अदायगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने का मौका नहीं मिला। ध्रुवा रानाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उन जैसा पावरफुल विलन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ जाधव ने दर्शक का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो Zee5 पर जाकर देख सकते है, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है तो। यहाँ जाने फिल्म सिम्बा देखने से पहले फिल्म का पूरा रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। फिल्म के मूड के हिसाब से कहानी की जान दर्जनों वन लाइनर संवाद है, इसके लिए फरहाद सामजी की तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर संवाद सिम्बा यानी रणबीर सिंह के हिस्से आए हैं। दूसरे कलाकारों के हिस्से के संवाद भी तीखे, ट्रेंडी और चुटकुले है। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उन्होंने ट्रेलर में इसकी झलक भी देखी होंगी। बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया बन पड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़ दे तो रोहित शेट्टी की अधिकांश फिल्मों में आउटडोर लोकेशन ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि सिम्बा में उन्होंने बेहतरीन लोकेशन पर रणवीर और सारा अली खान के ऊपर रोमांटिक गाना फिल्माया है। एक दो जगह को छोड़ दी जाए तो फिल्म की गति बंटी नेगी के संपादन के वजह से ठीक है। कैमरा वर्क भी अच्छा है, खासतौर से एक्शन सीन्स की विजुअल बहुत प्रभावी बन पड़े हैं। सिर्फ क्लाइमेक्स की सीन को छोड़ दिया जाए तो पहली बार रोहित शेट्टी ने अपनी किसी फिल्म में
कारों का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिल्म के लिए आंख मारे को रिक्रिएट किया गया है। कई अन्य और गाने को भी यहां पर लाया गया है। गाने लंबी उम्र के नहीं है, पर फिल्म के मूड को देखते हुए उन्हें ठीक कहा जा सकता है। सारा अली खान अपनी दूसरी ही फिल्म में साबित कर देती है कि अगर उन्हें स्क्रीन पर बढ़िया स्पेस मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगी। उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो कैमरा के सामने अच्छी और विश्वास से भरी नजर आती है। सारा की आंखों में एक्टिंग नजर नहीं आती। रणवीर का त्रिपुरी किरदार देख कर कभी कभी अनिल कपूर की याद आ जाती है। सिम्बा में भी अनिल के राम लखन के जैसा किरदार है, लेकिन ये उतना दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी और कभी अनिल ने उसे शिद्दत से पर्दे पर निभाया था। इंटरवल से पहले और बाद में रणवीर के किरदार के दो शेड से किरदार की डिमांड के हिसाब से ये दोनों को असरदार होना था। घुसखोर टपोरी के रोल में रणवीर प्रभावित नहीं करते हैं। शुरुआती फ्रेम में तो ये ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। हालांकि चुटकुले वन लाइनर संवादों ने उन्हें बचा लिया है, लेकिन एंग्री यंग मैन के किरदार में उनके हर इमोशन बेहद ही उम्दा बनकर दिखाई देते हैं। वो अपनी एक्टिंग की रो में दर्शकों को वहां ले जाते हैं। सोनू सूद ने अच्छा काम किया है। डॉन भाई पति और पिता के किरदार में वो जमे हैं, पर सिंघम में प्रकाश राज के जैसा किरदार सिम्बा में नहीं गढ़ा गया है। ये सोनू सूद का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आशुतोष राणा, अश्विनी किलकार, विपिन शर्मा, सिद्धार्थ यादव, अमृत पाल सिंह, नौशाद अब्बास और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी अपनी लेंथ के हिसाब से ठीक ठाक है। सिम्बा से साफ होता है कि रोहित शेट्टी अपने निर्देशन में दूसरे लेवल यानी फैमिली फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार फिल्म में वो सोसाइटी के लिहाज से एक संवाद करने और उसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का जोरदार त्रिकोण रचा है। मनोरंजन के लिहाज से उनके निर्देशन को पूरा नंबर दिया जा सकता है, लेकिन तमाम चीजें अखरती है। जैसे उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का काम अपवाद माना जा सकता है। फिल्म की कहानी में हीरोइन के किरदार को बड़ा किया जा सकता था, विषय के हिसाब से ये जायज भी था। अच्छा ये होता कि सिम्बा की मुंह बोली बहन के किरदार और सारा अली खान के किरदार को मिक्स कर दिया जाता तो एक घुसखोर पुलिस ऑफिसर में बदलाव और उसका रिवेंज आमिर खान की गजनी की तरह बेहद प्रभावी बन पड़ता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और जब जाबाज गुड लुकिंग हीरो की जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने साथ होने वाले ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस अफसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसलिए वो पुलिस अफसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसा पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका ताप बदला गोवा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वह नहीं जानता कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहाँ उसे उसकी जिंदगी का प्यार शगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहाँ उसे आकृति जैसी मुंह बोली बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहाँ के जाने माने डॉन ध्रुवा रानाडे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसों से बंद कर देता है। फिर एक दिन ध्रुवा के दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं।
आकृति उनके काले करतूतों के गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद करप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वह न केवल आकृति के हत्यारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में डीसीपी बाजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जिसे कई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वह सच्चाई की राह अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की यह फिल्म यो तो सिंघम की स्पिन ऑफ है, मगर हम आपको बता दें कि यह तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। रोहित ने इसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणबीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया के केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपने धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की स्ट्रेंथ होते हैं, जो यहाँ भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद समझी के वन लाइनर्स पूरी फिल्म में चुटिलेपन को बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा की सिक्कल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत न होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सपर्ट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चार ढाल लुक, संवाद, अदायगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने का मौका नहीं मिला। ध्रुवा रानाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उन जैसा पावरफुल विलन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ जाधव ने दर्शक का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है तो। यहाँ जाने फिल्म सिम्बा देखने से पहले फिल्म का पूरा रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। फिल्म के मूड के हिसाब से कहानी की जान दर्जनों वन लाइनर संवाद है, इसके लिए फरहाद सामजी की तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर संवाद सिम्बा यानी रणबीर सिंह के हिस्से आए हैं। दूसरे कलाकारों के हिस्से के संवाद भी तीखे, ट्रेंडी और चुटकुले हैं। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उन्होंने ट्रेलर में इसकी झलक भी देखी होंगी। बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया बन पड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़ दे तो रोहित शेट्टी की अधिकांश फिल्मों में आउटडोर लोकेशन ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि सिम्बा में उन्होंने बेहतरीन लोकेशन पर रणवीर और सारा अली खान के ऊपर रोमांटिक गाना फिल्माया है। एक दो जगह को छोड़ दी जाए तो फिल्म की गति बंटी नेगी के संपादन के वजह से ठीक है। कैमरा वर्क भी अच्छा है, खासतौर से एक्शन सीन्स की विजुअल बहुत प्रभावी बन पड़े हैं। सिर्फ क्लाइमेक्स की सीन को छोड़ दिया जाए तो पहली बार रोहित शेट्टी ने अपनी किसी फिल्म में कारों का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिल्म के लिए आंख मारे को रिक्रिएट किया गया है, कई अन्य और गाने को भी यहाँ पर लाया गया है। गाने लंबी उम्र के नहीं है पर फिल्म के मूड को देखते हुए उन्हें ठीक कहा जा सकता है। सारा अली खान अपनी दूसरी ही फिल्म में साबित कर देती है कि अगर उन्हें स्क्रीन पर बढ़िया स्पेस मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगी। उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन वो कैमरा के सामने अच्छी और विश्वास से भरी नजर आती है। सारा की आंखों में एक्टिंग नजर नहीं आती। रणवीर का त्रिपुरी किरदार देख कर कभी कभी अनिल कपूर की याद आ जाती है। सिम्बा में भी अनिल के राम लखन के जैसा किरदार है लेकिन ये उतना दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी और कभी अनिल ने उसे शिद्दत से पर्दे पर निभाया था। इंटरवल से पहले और बाद में रणबीर के किरदार के दो शेड से किरदार की डिमांड के हिसाब से ये दोनों को असरदार होना था। घुसखोर टपोरी के रोल में रणबीर प्रभावित नहीं करते हैं। शुरुआती फ्रेम में तो ये ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। हालांकि चुटकुले वन लाइनर संवादों ने उन्हें बचा लिया है लेकिन एंग्री यंग मैन के किरदार में उनके हर इमोशन बेहद ही उम्दा बनकर दिखाई देते हैं। वो अपनी एक्टिंग की रो में दर्शकों को बहा ले जाते हैं। सोनू सूद ने अच्छा काम किया है। डॉन भाई पति
और पिता के किरदार में वो जमे हैं, पर सिंघम में प्रकाश राज के जैसा किरदार सिम्बा में नहीं गढ़ा गया है। ये सोनू सूद का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आशुतोष राणा, अश्विनी किलकार, विपिन शर्मा, सिद्धार्थ यादव, अमृत पाल सिंह, नौशाद अब्बास और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी अपनी लेंथ के हिसाब से ठीक ठाक है। सिम्बा से साफ होता है कि रोहित शेट्टी अपने निर्देशन में दूसरे लेवल यानी फैमिली फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार फिल्म में वो सोसाइटी के लिहाज से एक संग बात करने और उसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का जोरदार त्रिकोण रचा है। मनोरंजन के लिहाज से उनके निर्देशन को पूरा नंबर दिया जा सकता है, लेकिन तमाम चीजें अखरती है, जैसे उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का काम अपवाद माना जा सकता है। फिल्म की कहानी में हीरोइन के किरदार को बड़ा किया जा सकता था, विषय के हिसाब से ये जायज भी था। अच्छा ये होता कि सिम्बा की मुंह बोली बहन के किरदार और सारा अली खान के किरदार को मिक्स कर दिया जाता, तो एक घुसखोर पुलिस ऑफिसर में बदलाव और उसका रिवेंज आमिर खान की गजनी की तरह बेहद प्रभावी बन पड़ता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में, एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है। डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और जब जाबाज गुड लुकिंग हीरो की जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने साथ होने वाले ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस अफसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और इसलिए वो पुलिस अफसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसा पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका ताप बदला गोवा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वह नहीं जानता कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहाँ उसे उसकी जिंदगी का प्यार शगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहाँ उसे आकृति जैसी मुंह बोली बहन, खुद्दार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहाँ के जाने माने डॉन ध्रुवा रानाडे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं, क्योंकि वह सिम्बा का मुंह पैसों से बंद कर देता है। फिर एक दिन ध्रुवा के दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं, बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी काली करतूतों की गवाह जो बन चुकी थी, बस उसी के बाद करप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वह न केवल आकृति के हत्यारों को सजा दिलाने का फैसला करता है, बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP बाजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री, जिसे कई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वह सच्चाई की राह अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की यह फिल्म यो तो सिंघम की स्पिन ऑफ है, मगर हम आपको बता दें कि यह तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। रोहित ने इसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणबीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया के केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपने धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की स्ट्रेंथ होते हैं, जो यहाँ भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद समझी के वन लाइनर्स पूरी फिल्म में चुटिलेपन को बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा की सिक्कल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत न होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सपर्ट वाले फनी अंदाज में जिया है।
उनकी चार ढाल लुक, संवाद, अदायगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने का मौका नहीं मिला। ध्रुवा रानाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उन जैसा पावरफुल विलन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ जाधव ने दर्शक का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे है। मिर्ची टॉप 20 में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है तो। यहाँ जाने फिल्म सिम्बा देखने से पहले फिल्म का पूरा रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। फिल्म के मूड के हिसाब से कहानी की जान दर्जनों वन लाइनर संवाद है। इसके लिए फरहाद सामजी की तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर संवाद सिम्बा यानी रणवीर सिंह के हिस्से आए हैं। दूसरे कलाकारों के हिस्से के संवाद भी तीखे, ट्रेंडी और चुटकुले हैं। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उन्होंने ट्रेलर में इसकी झलक भी देखी होंगी। बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया बन पड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़ दे तो रोहित शेट्टी की अधिकांश फिल्मों में आउटडोर लोकेशन ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि सिम्बा में उन्होंने बेहतरीन लोकेशन पर रणवीर और सारा अली खान के ऊपर रोमांटिक गाना फिल्माया है। एक दो जगह को छोड़ दी जाए तो फिल्म की गति बंटी नेगी के संपादन के वजह से ठीक है। कैमरा वर्क भी अच्छा है, खासतौर से एक्शन सीन्स की विजुअल बहुत प्रभावी बन पड़े है। सिर्फ क्लाइमैक्स की सीन को छोड़ दिया जाए तो पहली बार रोहित शेट्टी ने अपनी किसी फिल्म में कारों का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिल्म के लिए आंख मारे को रिक्रिएट किया गया है। कई अन्य और गाने को भी यहां पर लाया गया है। गाने लंबी उम्र के नहीं है पर फिल्म के मूड को देखते हुए उन्हें ठीक कहा जा सकता है। सारा अली खान अपनी दूसरी ही फिल्म में साबित कर देती है कि अगर उन्हें स्क्रीन पर बढ़िया स्पेस मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगी। उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन वो कैमरा के सामने अच्छी और विश्वास से भरी नजर आती है। सारा की आंखों में एक्टिंग नजर नहीं आती। रणवीर का त्रिपुरी किरदार देख कर कभी कभी अनिल कपूर की याद आ जाती है। सिम्बा में भी अनिल के राम लखन के जैसा किरदार है लेकिन ये उतना दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी और कभी अनिल ने उसे शिद्दत से पर्दे पर निभाया था। इंटरवल से पहले और बाद में रणवीर के किरदार के दो शेड से किरदार की डिमांड के हिसाब से ये दोनों को असरदार होना था। घुसखोर टपोरी के रोल में रणबीर प्रभावित नहीं करते हैं। शुरुआती फ्रेम में तो ये ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। हालांकि चुटकुले वन लाइनर संवादों ने उन्हें बचा लिया है लेकिन एंग्री यंग मैन के किरदार में उनके हर इमोशन बेहद ही उम्दा बनकर दिखाई देते हैं। वो अपनी एक्टिंग की रो में दर्शकों को बहा ले जाते हैं। सोनू सूद ने अच्छा काम किया है। डॉन भाई पति और पिता के किरदार में वो जमे हैं पर सिंघम में प्रकाश राज के जैसा किरदार सिम्बा में नहीं गढ़ा गया है। ये सोनू सूद का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आशुतोष राणा, अश्विनी किलकार, विपिन शर्मा, सिद्धार्थ यादव, अमृत पाल सिंह, नौशाद अब्बास और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी अपनी लेंथ के हिसाब से ठीक ठाक है। सिम्बा से साफ होता है कि रोहित शेट्टी अपने निर्देशन में दूसरे लेवल यानी फैमिली फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार फिल्म में वो सोसाइटी के लिहाज से एक संवाद करने और उसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का जोरदार त्रिकोण रचा है। मनोरंजन के लिहाज से उनके निर्देशन को पूरा नंबर दिया जा सकता है लेकिन तमाम चीजें अखरती है। जैसे उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का काम अपवाद माना जा सकता है। फिल्म की कहानी में हीरोइन के किरदार को बड़ा किया जा सकता था। विषय के हिसाब से ये जायज भी था। अच्छा ये होता कि सिम्बा की मुंह बोली बहन के किरदार और सारा अली खान के किरदार को मिक्स कर दिया जाता तो एक घुसखोर पुलिस ऑफिसर में बदलाव और उसका रिवेंज आमिर खान की गजनी की तरह बेहद प्रभावी बन पड़ता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है।
जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है। डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और जब जाबाज गुड लुकिंग हीरो की जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने साथ होने वाले ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस अफसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसलिए वो पुलिस अफसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसा पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका ताप बदला गोवा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वह नहीं जानता कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है या उसे उसकी जिंदगी का प्यार शगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है, या उसे आकृति जैसी मुंह बोली बहन, खुद्दार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन ध्रुवा रानाडे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं क्योंकि वह सिम्बा का मुंह पैसों से बंद कर देता है। फिर एक दिन ध्रुवा के दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी काली करतूतों की गवाह जो बन चुकी थी, बस उसी के बाद करप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वह न केवल आकृति के हत्यारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में डीसीपी बाजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जिससे कई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वह सच्चाई की राह अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की यह फिल्म यो तो सिंघम की स्पिन ऑफ है, मगर हम आपको बता दें कि यह तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। रोहित ने इसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणबीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है जिसे निर्भया के केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है, मगर फिर अजय देवगन अपने धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की स्ट्रेंथ होते हैं जो यहाँ भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद समझी के वन लाइनर्स पूरी फिल्म में चुटिलेपन को बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा की सिक्कल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत न होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सपर्ट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चार ढाल लुक, संवाद, अदायगी और एक्शन का अंदाज दर्शक को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने का मौका नहीं मिला। ध्रुवा रानाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उन जैसा पावरफुल विलन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ जाधव ने दर्शक का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे है। मिर्ची टॉप 20 में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है तो। यहाँ जाने फिल्म सिम्बा देखने से पहले फिल्म का पूरा रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। फिल्म के मूड के हिसाब से कहानी की जान दर्जनों वन लाइनर संवाद है, इसके लिए फरहाद सामजी की तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर संवाद सिम्बा यानी रणबीर सिंह के हिस्से आए हैं। दूसरे कलाकारों के हिस्से के संवाद भी तीखे, ट्रेंडी और चुटकुले हैं। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उन्होंने ट्रेलर में इसकी झलक भी देखी होंगी।
बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया बन पड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़ दे तो रोहित शेट्टी की अधिकांश फिल्मों में आउटडोर लोकेशन ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि सिम्बा में उन्होंने बेहतरीन लोकेशन पर रणवीर और सारा अली खान के ऊपर रोमांटिक गाना फिल्माया है। एक दो जगह को छोड़ दी जाए तो फिल्म की गति बंटी नेगी के संपादन के वजह से ठीक है। कैमरा वर्क भी अच्छा है, खासतौर से एक्शन सीन्स की विजुअल बहुत प्रभावी बन पड़े हैं। सिर्फ क्लाइमैक्स की सीन को छोड़ दिया जाए तो पहली बार रोहित शेट्टी ने अपनी किसी फिल्म में कारों का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिल्म के लिए आंख मारे को रिक्रिएट किया गया है, कई अन्य और गाने को भी यहां पर लाया गया है। गाने लंबी उम्र के नहीं है पर फिल्म के मूड को देखते हुए उन्हें ठीक कहा जा सकता है। सारा अली खान अपनी दूसरी ही फिल्म में साबित कर देती है कि अगर उन्हें स्क्रीन पर बढ़िया स्पेस मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगी। उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन वो कैमरा के सामने अच्छी और विश्वास से भरी नजर आती है। सारा की आंखों में एक्टिंग नजर नहीं आती। रणवीर का त्रिपुरी किरदार देखकर कभी कभी अनिल कपूर की याद आ जाती है। सिम्बा में भी अनिल के राम लखन के जैसा किरदार है लेकिन ये उतना दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी और कभी अनिल ने उसे शिद्दत से पर्दे पर निभाया था। इंटरवल से पहले और बाद में रणवीर के किरदार के दो शेड से किरदार की डिमांड के हिसाब से ये दोनों को असरदार होना था। घुसखोर टपोरी के रोल में रणवीर प्रभावित नहीं करते हैं। शुरुआती फ्रेम में तो ये ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। हालांकि चुटकुले वन लाइनर संवादों ने उन्हें बचा लिया है लेकिन एंग्री यंग मैन के किरदार में उनके हर इमोशन बेहद ही उम्दा बनकर दिखाई देते हैं। वो अपनी एक्टिंग की रो में दर्शकों को बहा ले जाते हैं। सोनू सूद ने अच्छा काम किया है। डॉन भाई पति अर्पिता के किरदार में वो जमे हैं पर सिंघम में प्रकाश राज के जैसा किरदार सिम्बा में नहीं गढ़ा गया है। ये सोनू सूद का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आशुतोष राणा, अश्विनी किलकार, बिपिन शर्मा, सिद्धार्थ यादव, अमृत पाल सिंह, नौसाद अब्बास और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी अपनी लेंथ के हिसाब से ठीक ठाक है। सिम्बा से साफ होता है कि रोहित शेट्टी अपने निर्देशन में दूसरे लेवल यानी फैमिली फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार फिल्म में वो सोसाइटी के लिहाज से एक संवाद करने और उसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का जोरदार त्रिकोण रचा है। मनोरंजन के लिहाज से उनके निर्देशन को पूरा नंबर दिया जा सकता है लेकिन तमाम चीजें अखरती है। जैसे उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का काम अपवाद माना जा सकता है। फिल्म की कहानी में हीरोइन के किरदार को बड़ा किया जा सकता था, विषय के हिसाब से ये जायज भी था। अच्छा ये होता कि सिम्बा की मुंह बोली बहन के किरदार और सारा अली खान के किरदार को मिक्स कर दिया जाता तो एक घुसखोर पुलिस ऑफिसर में बदलाव और उसका रिवेंज आमिर खान की गजनी की तरह बेहद प्रभावी बन पड़ता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और जब जाबाज गुड लुकिंग हीरो की जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने साथ होने वाले ट्रेजेड के बाद ईमानदार पुलिस अफसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसलिए वो पुलिस अफसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसा पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबादला गोवा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे मगर वह नहीं जानता कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है या उसे उसकी जिंदगी का
प्यार शगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहाँ उसे आकृति जैसी मुंह बोली बहन, खुद्दार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहाँ के जाने माने डॉन ध्रुवा रानाडे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं क्योंकि वह सिम्बा का मुंह पैसों से बंद कर देता है। फिर एक दिन ध्रुवा के दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी काली करतूतों की गवाह जो बन चुकी थी, बस उसी के बाद करप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वह न केवल आकृति के हत्यारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में डीसीपी बाजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री, जिससे कई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वह सच्चाई की राह अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की यह फिल्म यो तो सिंघम की स्पिन ऑफ है, मगर हम आपको बता दें कि यह तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। रोहित ने इसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणबीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया के केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपने धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की स्ट्रेंथ होते हैं, जो यहाँ भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद समझी के वन लाइनर्स पूरी फिल्म में चुटिलेपन को बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा की सिक्कल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत न होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सपर्ट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चार ढाल लुक, संवाद, अदायगी और एक्शन का अंदाज दर्शक को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने का मौका नहीं मिला। ध्रुवा रानाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उन जैसा पावरफुल विलन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ जाधव ने दर्शक का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो G5 पर जाकर देख सकते है, अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है तो। यहाँ जाने फिल्म सिम्बा देखने से पहले फिल्म का पूरा रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। फिल्म के मूड के हिसाब से कहानी की जान दर्जनों वन लाइनर संवाद है, इसके लिए फरहाद सामजी की तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर संवाद सिम्बा यानी रणबीर सिंह के हिस्से आए हैं। दूसरे कलाकारों के हिस्से के संवाद भी तीखे, ट्रेंडी और चुटकुले है। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उन्होंने ट्रेलर में इसकी झलक भी देखी होंगी। बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया बन पड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़ दे तो रोहित शेट्टी की अधिकांश फिल्मों में आउटडोर लोकेशन ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि सिम्बा में उन्होंने बेहतरीन लोकेशन पर रणवीर और सारा अली खान के ऊपर रोमांटिक गाना फिल्माया है। एक दो जगह को छोड़ दी जाए तो फिल्म की गति बंटी नेगी के संपादन के वजह से ठीक है। कैमरा वर्क भी अच्छा है, खासतौर से एक्शन सीन्स की विजुअल बहुत प्रभावी बन पड़े हैं। सिर्फ क्लाइमैक्स की सीन को छोड़ दिया जाए तो पहली बार रोहित शेट्टी ने अपनी किसी फिल्म में कारों का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिल्म के लिए आंख मारे को रिक्रिएट किया गया है, कई अन्य और गाने को भी यहाँ पर लाया गया है। गाने लंबी उम्र के नहीं है पर फिल्म के मूड को देखते हुए उन्हें ठीक कहा जा सकता है। सारा अली खान अपनी दूसरी ही फिल्म में साबित कर देती है कि अगर उन्हें स्क्रीन पर बढ़िया स्पेस मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगी। उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन वो कैमरा के सामने अच्छी और विश्वास से भरी नजर आती है। सारा की आंखों में एक्टिंग नजर नहीं आती। रणवीर का त्रिपुरी किरदार देख कर कभी कभी अनिल कपूर की याद आ जाती है। सिम्बा में भी अनिल के राम लखन की जैसा किरदार है लेकिन ये उतना दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी और कभी अनिल ने उसे
शिद्दत से पर्दे पर निभाया था। इंटरवल से पहले और बाद में रणबीर के किरदार के दो शेड से किरदार की डिमांड के हिसाब से ये दोनों को असरदार होना था। घुसखोर टपोरी के रोल में रणबीर प्रभावित नहीं करते हैं, शुरुआती फ्रेम में तो ये ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। हालांकि चुटकुले वन लाइनर संवादों ने उन्हें बचा लिया है, लेकिन एंग्री यंग मैन के किरदार में उनके हर इमोशन बेहद ही उम्दा बनकर दिखाई देते हैं। वो अपनी एक्टिंग की रो में दर्शकों को बहा ले जाते हैं। सोनू सूद ने अच्छा काम किया है, डॉन भाई पति अर्पिता के किरदार में वो जमे हैं, पर सिंघम में प्रकाश राज के जैसा किरदार सिम्बा में नहीं गढ़ा गया है। ये सोनू सूद का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आशुतोष राणा, अश्विनी किलकार, विपिन शर्मा, सिद्धार्थ यादव, अमृत पाल सिंह, नौसाद अब्बास और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी अपनी लेंथ के हिसाब से ठीक ठाक है। सिम्बा से साफ होता है कि रोहित शेट्टी अपने निर्देशन में दूसरे लेवल यानी फैमिली फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार फिल्म में वो सोसाइटी के लिहाज से एक संवाद करने और उसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का जोरदार त्रिकोण रचा है। मनोरंजन के लिहाज से उनके निर्देशन को पूरा नंबर दिया जा सकता है, लेकिन तमाम चीजें अखरती है। जैसे उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का काम अपवाद माना जा सकता है। फिल्म की कहानी में हीरोइन के किरदार को बड़ा किया जा सकता था, विषय के हिसाब से ये जायज भी था। अच्छा ये होता कि सिम्बा की मुंह बोली बहन के किरदार और सलाह अली खान के किरदार को मिक्स कर दिया जाता तो एक घुसखोर पुलिस ऑफिसर में बदलाव और उसका रिवेंज आमिर खान की गजनी की तरह बेहद प्रभावी बन पड़ता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और जब जाबाज गुड लुकिंग हीरो की जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने साथ होने वाले ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस अफसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसलिए वो पुलिस अफसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसा पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबादला गोवा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वह नहीं जानता कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है या उसे उसकी जिंदगी का प्यार शगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है, या उसे आकृति जैसी मुंह बोली बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरवा रानाडे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं क्योंकि वह सिम्बा का मुंह पैसों से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरवा के दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी काली करतूतों की गवाह जो बन चुकी थी, बस उसी के बाद करप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वह न केवल आकृति के हत्यारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP बाजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जिसे कई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वह सच्चाई की राह अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की यह फिल्म यो तो सिंघम की स्पिन ऑफ है, मगर हम आपको बता दें कि यह तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। रोहित ने इसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है जहाँ कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणबीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है।
जिसे निर्भया के केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपने धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की स्ट्रेंथ होते हैं, जो यहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद समझी के वन लाइनर्स पूरी फिल्म में चुटिलेपन को बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा की सिक्कल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत न होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सपर्ट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चार ढाल लुक, संवाद, अदायगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने का मौका नहीं मिला। ध्रुवा रानाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उन जैसा पावरफुल विलन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ जाधव ने दर्शक का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो Zee5 पर जाकर देख सकते है, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है तो। यहाँ जाने फिल्म सिम्बा देखने से पहले फिल्म का पूरा रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। फिल्म के मूड के हिसाब से कहानी की जान दर्जनों वन लाइनर संवाद है। इसके लिए फरहाद सामजी की तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर संवाद सिम्बा यानी रणवीर सिंह के हिस्से आए हैं। दूसरे कलाकारों के हिस्से के संवाद भी तीखे, ट्रेंडी और चुटकुले है। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उन्होंने ट्रेलर में इसकी झलक भी देखी होंगी। बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया बन पड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़ दे तो रोहित शेट्टी की अधिकांश फिल्मों में आउटडोर लोकेशन ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि सिम्बा में उन्होंने बेहतरीन लोकेशन पर रणवीर और सारा अली खान के ऊपर रोमांटिक गाना फिल्माया है। एक दो जगह को छोड़ दी जाए तो फिल्म की गति बंटी नेगी के संपादन के वजह से ठीक है। कैमरा वर्क भी अच्छा है, खासतौर से एक्शन सीन्स की विजुअल बहुत प्रभावी बन पड़े हैं। सिर्फ क्लाइमैक्स की सीन को छोड़ दिया जाए तो पहली बार रोहित शेट्टी ने अपनी किसी फिल्म में कारों का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिल्म के लिए आंख मारे को रिक्रिएट किया गया है, कई अन्य और गाने को भी यहाँ पर लाया गया है। गाने लंबी उम्र के नहीं है पर फिल्म के मूड को देखते हुए उन्हें ठीक कहा जा सकता है। सारा अली खान अपनी दूसरी ही फिल्म में साबित कर देती है कि अगर उन्हें स्क्रीन पर बढ़िया स्पेस मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगी। उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन वो कैमरा के सामने अच्छी और विश्वास से भरी नजर आती है। सारा की आंखों में एक्टिंग नजर नहीं आती। रणवीर का त्रिपुरी किरदार देखकर कभी कभी अनिल कपूर की याद आ जाती है। सिम्बा में भी अनिल के राम लखन के जैसा किरदार है लेकिन ये उतना दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी और कभी अनिल ने उसे शिद्दत से पर्दे पर निभाया था। इंटरवल से पहले और बाद में रणवीर के किरदार के दो शेड से किरदार की डिमांड के हिसाब से ये दोनों को असरदार होना था। घुसखोर टपोरी के रोल में रणबीर प्रभावित नहीं करते हैं। शुरुआती फ्रेम में तो ये ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। हालांकि चुटकुले वन लाइनर संवादों ने उन्हें बचा लिया है लेकिन एंग्री यंग मैन के किरदार में उनके हर इमोशन बेहद ही उम्दा बनकर दिखाई देते हैं। वो अपनी एक्टिंग की रो में दर्शकों को वहां ले जाते हैं। सोनू सूद ने अच्छा काम किया है। डॉन भाई पति और पिता के किरदार में वो जमे हैं पर सिंघम में प्रकाश राज के जैसा किरदार सिम्बा में नहीं गढ़ा गया है। ये सोनू सूद का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आशुतोष राणा, अश्विनी किलकार, विपिन शर्मा, सिद्धार्थ यादव, अमृत पाल सिंह, नौशाद अब्बास और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी अपनी लेंथ के हिसाब से ठीक ठाक है। सिम्बा से साफ होता है कि रोहित शेट्टी अपने निर्देशन में दूसरे लेवल यानी फैमिली फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार फिल्म में वो सोसाइटी के लिहाज से एक संवाद करने और उसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का जोरदार त्रिकोण रचा है। मनोरंजन के लिहाज से उनके निर्देशन को पूरा नंबर दिया जा सकता है लेकिन तमाम चीजें अखरती है। जैसे उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का काम अपवाद माना जा सकता है।
फिल्म की कहानी में हीरोइन के किरदार को बड़ा किया जा सकता था, विषय के हिसाब से ये जायज भी था। अच्छा ये होता कि सिम्बा की मुंह बोली बहन के किरदार और सारा अली खान के किरदार को मिक्स कर दिया जाता तो एक घुसखोर पुलिस ऑफिसर में बदलाव और उसका रिवेंज आमिर खान की गजनी की तरह बेहद प्रभावी बन पड़ता। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में, एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और जब जाबाज गुड लुकिंग हीरो की जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने साथ होने वाले ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस अफसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसलिए वो पुलिस अफसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसा पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका ताप बदला गोवा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वह नहीं जानता कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है या उसे उसकी जिंदगी का प्यार शगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है, या उसे आकृति जैसी मुंह बोली बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरवा रानाडे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसों से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरवा के दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी काली करतूतों की गवाह जो बन चुकी थी, बस उसी के बाद करप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वह न केवल आकृति के हत्यारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP बाजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जिसे कई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वह सच्चाई की राह अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की यह फिल्म यो तो सिंघम की स्पिन ऑफ है, मगर हम आपको बता दें कि यह तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। रोहित ने इसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है जहाँ कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणबीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है जिसे निर्भया के केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है, मगर फिर अजय देवगन अपने धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की स्ट्रेंथ होते हैं जो यहाँ भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद समझी के वन लाइनर्स पूरी फिल्म में चुटिलेपन को बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा की सिक्कल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत न होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सपर्ट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चार ढाल लुक, संवाद, अदायगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने का मौका नहीं मिला। ध्रुवा रानाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उन जैसा पावरफुल विलन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ जाधव ने दर्शक का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर अब आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है तो।
यहाँ जाने फिल्म सिम्बा देखने से पहले फिल्म का पूरा रिव्यू और जाने कहा देखे सिर्फ फ्री में। फिल्म के मूड के हिसाब से कहानी की जान दर्जनों वन लाइनर संवाद है। इसके लिए फरहाद सामजी की तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर संवाद सिम्बा यानी रणवीर सिंह के हिस्से आए हैं। दूसरे कलाकारों के हिस्से के संवाद भी तीखे, ट्रेंडी और चुटकुले हैं। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उन्होंने ट्रेलर में इसकी झलक भी देखी होंगी। बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया बन पड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़ दे तो रोहित शेट्टी की अधिकांश फिल्मों में आउटडोर लोकेशन ज्यादा मायने नहीं रखते। हालांकि सिम्बा में उन्होंने बेहतरीन लोकेशन पर रणवीर और सारा अली खान के ऊपर रोमांटिक गाना फिल्माया है। एक दो जगह को छोड़ दी जाए तो फिल्म की गति बंटी नेगी के संपादन के वजह से ठीक है। कैमरा वर्क भी अच्छा है, खासतौर से एक्शन सीन्स की विजुअल बहुत प्रभावी बन पड़े हैं। सिर्फ क्लाइमैक्स की सीन को छोड़ दिया जाए तो पहली बार रोहित शेट्टी ने अपनी किसी फिल्म में कारों का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिल्म के लिए आंख मारे को रिक्रिएट किया गया है। कई अन्य और गाने को भी यहाँ पर लाया गया है। गाने लंबी उम्र के नहीं है पर फिल्म के मूड को देखते हुए उन्हें ठीक कहा जा सकता है। सारा अली खान अपनी दूसरी ही फिल्म में साबित कर देती है कि अगर उन्हें स्क्रीन पर बढ़िया स्पेस मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगी। उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन वो कैमरा के सामने अच्छी और विश्वास से भरी नजर आती है। सारा की आंखों में एक्टिंग नजर नहीं आती। रणवीर का त्रिपुरी किरदार देख कर कभी कभी अनिल कपूर की याद आ जाती है। सिम्बा में भी अनिल के राम लखन के जैसा किरदार है लेकिन ये उतना दमदार नहीं है जितनी उम्मीद थी और कभी अनिल ने उसे शिद्दत से पर्दे पर निभाया था। इंटरवल से पहले और बाद में रणवीर के किरदार के दो शेड से किरदार की डिमांड के हिसाब से ये दोनों को असरदार होना था। घुसखोर टपोरी के रोल में रणवीर प्रभावित नहीं करते हैं। शुरुआती फ्रेम में तो ये ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। हालांकि चुटकुले वन लाइनर संवादों ने उन्हें बचा लिया है लेकिन एंग्री यंग मैन के किरदार में उनके हर इमोशन बेहद ही उम्दा बनकर दिखाई देते हैं। वो अपनी एक्टिंग की रो में दर्शकों को बहा ले जाते हैं। सोनू सूद ने अच्छा काम किया है। डॉन भाई पति और पिता के किरदार में वो जमे हैं पर सिंघम में प्रकाश राज के जैसा किरदार सिम्बा में नहीं गढ़ा गया है। ये सोनू सूद का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आशुतोष राणा, अश्विनी किलकार, विपिन शर्मा, सिद्धार्थ यादव, अमृत पाल सिंह, नौसाद अब्बास और दूसरे कलाकारों का अभिनय भी अपनी लेंथ के हिसाब से ठीक ठाक है। सिम्बा से साफ होता है कि रोहित शेट्टी अपने निर्देशन में दूसरे लेवल यानी फैमिली फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार फिल्म में वो सोसाइटी के लिहाज से एक संवाद करने और उसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का जोरदार त्रिकोण रचा है। मनोरंजन के लिहाज से उनके निर्देशन को पूरा नंबर दिया जा सकता है लेकिन तमाम चीजें अखरती है। जैसे उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का काम अपवाद माना जा सकता है। फिल्म की कहानी में हीरोइन के किरदार को बड़ा किया जा सकता था। विषय के हिसाब से ये जायज भी था। अच्छा ये होता कि सिम्बा की मुंह बोली बहन के किरदार और सारा अली खान के किरदार को मिक्स कर दिया जाता तो एक घुसखोर पुलिस ऑफिसर में बदलाव और उसका रिवेंज आमिर खान की गजनी की तरह बेहद प्रभावी बन पड़ता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है।